इंडिया में वैसे तो हर दिन एसयूवी का क्रेज और डिमांड बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि एसयूवी को पसंद करने वाले ज्यादा कस्टमर्स हैं इंडिया में। इसीलिए हर कार कंपनी अपनी एसयूवी गाड़ी को इंडिया में लॉन्च कर रही हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया में आने वाली 8 अपकमिंग एसयूवी के बारे में कि ऐसी कौन कौन सी एसयूवी हैं जो साल 2023 में इंडिया में लॉन्च होंगी। हम टोटल 8 गाड़ियों के बारे में बात करने वाले हैं, जिनमें से कुछ गाड़ियां रिवील हो चुकी हैं और कुछ गाड़ियां जल्द ही रिवील होंगी। तो चलिए देखते हैं। नंबर 8 पे है महिंद्रा थार 5 डोर। इस जनरेशन की महिंद्रा थार लोगों को बहुत ही पसंद आई, इसलिए महिंद्रा ने थार का 4x2 वेरिएंट भी लॉन्च कर दिया है। लेकिन 3 डोर होने की वजह से इसमें कम स्पेस मिलती है, इसलिए महिंद्रा बहुत ही जल्द अपने थार का 5 डोर वर्जन भी लॉन्च करेगा, जो टेस्टिंग के दौरान रोड पे स्पाई भी होती रहती है। जो महिंद्रा थार 5 डोर लॉन्च होगी वो इसी इंजन और इसी फीचर के साथ लॉन्च होगी जो करंट महिंद्रा थार है। थार 5 डोर में आपको 4x2 और 4x4 का ऑप्शन भी मिलेगा और डिजाइन भी लगभग करंट थार के जैसे ही होने वाली है, बस उसकी लेंथ थोड़ी सी बड़ी होगी। जहां तक है, महिंद्रा इसे मई से जून के बीच में लॉन्च कर सकता है, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस 15 लाख से स्टार्ट होगी। और 7th नंबर पे आ जाती है मारुति सुजुकी जिम्नी। महिंद्रा थार जैसे ये भी एक ऑफ रोडर एसयूवी है, जिसे मारुति ने ऑटो एक्सपो 2023 में रिवील किया था। ये ऑफ रोड एसयूवी इंडिया में बहुत ही जल्द लॉन्च हो सकती है, जिसकी बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है और इस कार में आपको बहुत सारे मॉडर्न फीचर और सेफ्टी फीचर दिए जाएंगे। इसमें पावरफुल 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन दिया जाएगा, जो 4 व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ होगा, जिसे मारुति मई 2023 में लॉन्च कर सकता है। इसकी जो एक्स शोरूम प्राइस स्टार्ट होगी वो 10 लाख से स्टार्ट होगी। 6th नंबर पे जो एसयूवी है वो होंडा की कॉम्पैक्ट एसयूवी। होंडा की कार इंडिया में बहुत ही पॉपुलर रही हैं, ज्यादातर वो सेडान गाड़ियां थी जो पॉपुलर रही हैं। लेकिन इंडिया में एसयूवी की डिमांड को देखते हुए होंडा बहुत ही जल्द अपनी एक नई कॉम्पैक्ट एसयूवी को लॉन्च करेगा, जो क्रेटा सेल्टॉस जैसे सेगमेंट में आएगी। अभी ये पता नहीं है कि होंडा इसे कब तक लॉन्च करेगा, लेकिन 2023 के लास्ट तक होंडा इसे लॉन्च कर सकता है। और 5th पोजीशन पे आ जाती है सिट्रोन C3 एयरक्रॉस। सिट्रोन बहुत ही जल्द इंडिया में अपनी एक एसयूवी को लॉन्च करने वाला है, जिसका नाम सिट्रोन C3 एयरक्रॉस होगा, जिसमें आपको 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा और बहुत सारे मॉडर्न फीचर भी मिलेंगे। सिट्रोन 27 अप्रैल को इसे रिवील करने वाला है, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस 9 से 10 लाख के बीच में स्टार्ट हो सकती है। और 4th पोजीशन पे आ जाती है मारुति फ्रॉन्क्स। ये मारुति की एक क्रॉसओवर एसयूवी होने वाली है, जिसे मारुति ने ऑटो एक्सपो 2023 में रिवील भी किया था। ये कार टोटल बलिनो पे बेस्ड होगी। इसमें आपको दो इंजन ऑप्शन मिलेंगे, एक 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड, दूसरा 1 लीटर टर्बोचार्ज जेट इंजन। इस कार को मारुति मई में लॉन्च कर सकता है, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस 8 लाख से स्टार्ट होगी। और 3rd पोजीशन पे जो एसयूवी है उसका नाम है होंडाई नेक्सो। टाटा नेक्सॉन के बाद होंडाई नेक्सो आने वाली है, जिसे इंडिया में लॉन्च करने का अप्रूवल तो बहुत ही पहले मिल गया था, लेकिन अभी तक ये गाड़ी इंडिया में लॉन्च नहीं हुई। अगर ये गाड़ी इंडिया में लॉन्च होती है तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि ये गाड़ी ना पेट्रोल से चलती है, ना डीजल से चलती है और ना ही इलेक्ट्रिक से चलती है। ये गाड़ी चलती है हाइड्रोजन फ्यूल से। वैसे तो इस कार को पावर इलेक्ट्रिक मोटर से मिलती है, लेकिन इलेक्ट्रिक मोटर को पावर हाइड्रोजन फ्यूल से मिलती है। तो देखते हैं होंडाई इस गाड़ी को कब तक इंडिया में लॉन्च करती है। जहां तक है, 2023 के लास्ट में इस गाड़ी को लॉन्च कर दिया जाएगा। और 2nd पोजीशन पे आ जाती है टाटा सियेरा ईवी। टाटा की काफी गाड़ियां ईवी में अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, उसको देखते हुए टाटा 2023 में अपनी सियेरा का ईवी वर्जन लॉन्च करने वाला है। टाटा सियेरा टाटा की पहली कार थी जो 3 डोर के साथ आती थी। 1991 में इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था और 2003 में इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया गया, और टाटा अब इसे ईवी वर्जन में लॉन्च कर सकता है। ये एक फुल साइज एसयूवी होने वाली है, जिसमें आपको 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिलेगा, और इसे ऑटो एक्सपो 2023 में भी पेश किया गया था। जहां तक है, टाटा इसे सितंबर 2023 में रिवील कर सकता है। और नंबर 1st पोजीशन पे जो हमारी कार आती है वो है टोयोटा फॉर्च्यूनर। जी हाँ, टोयोटा फॉर्च्यूनर को 2016 के बाद कोई बड़ा अपडेट नहीं मिला। 2023 या 2024 के अंदर टोयोटा अपनी फॉर्च्यूनर का नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च कर सकता है, और नेक्स्ट जनरेशन फॉर्च्यूनर में आपको नए फीचर्स भी मिलने वाले हैं, जैसे सनरूफ, और भी बहुत सारे फीचर्स आपको इसमें मिल जाएंगे, जिसका इंतजार कस्टमर बहुत ही दिनों से कर रहे हैं। लेकिन अभी तक टोयोटा की तरफ से ऐसी कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है कि फॉर्च्यूनर के नेक्स्ट जनरेशन को कब तक लॉन्च किया जाएगा, लेकिन और जितनी भी गाड़ियां हमने बताई वो डेफिनेटली 2023 में आ ही जाएंगी। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया 8 ऐसी एसयूवी के बारे में जो कि इंडिया में 2023 में लॉन्च होंगी। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, वीडियो करते हैं एंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।